गुरुवार को चंडीगढ़ सेक्टर 16 के पंजाब कला भवन में नाटक मैं कहां हां का मंचन किया गया, जो कवि अवतार पाश की कविताओं और डायरीज पर आधारित है। थिएटर आर्टिस्ट संगीता गुप्ता ने इस नाटक का मंचन किया और हमसे इस नाटक के बारे में बात की। इसनू कंपाइल करके दी स्क्रिप्ट तैयार की है राणा रणबीर जी ने और निर्देशन किया है डॉक्टर आत्मजीत ने, तो मैं एक्ट कर रही हूँ एज ए पाश, अपने आप में पोर्ट्रे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरू तो ही उन्होंने पोइट्री बहुत पसंद है, इनकलाबी पोइट्री है उन्होंने, रेवोल्यूशनरी है, तो जो मैंने पढ़िया मैंने बहुत चंगा लग्या। तो फिर जो राणा ने स्क्रिप्ट तैयार की, मैं स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट सी। मैं इसनों 12-13 साल पहला खेडिया जो मेरे करियर की शुरुआत सी, तो डॉक्टर आत्मजीत ने डायरैक्ट किया। संगीता का मानना है कि पाश की कविताएं बहुत ही संवेदनशील हैं और हमारे युवा में संवेदनशीलता नहीं रह गई है और वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। उन्होंने सब तो वड्डी गल ये कि बड़ी संवेदनशील पोइट्री है उहदी, ते साडे यूथ दे विचकार संवेदनशीलता तो बची नहीं है, वो इन्ने सेल्फ सेंटर्ड ते उन्होंने जिंदगी इन्नी मटीरियलिस्टिक हो गई है कि चीज़ां नाल बंदियां नाल और समाज नाल देश नाल जिहड़े सरोकार ने वो साढ़े खत्म हो गए ने, तो यह सरोकार जगांदा है, यह दसदा है कि सरोकार की होना चाहिए, साडा देश नाल सिस्टम के खिलाफ लड़न की हिम्मत किवें पैदा होंदी, उहदे वास्ते कोई साधन नहीं चाहिए होंदे और ना ही तुसी मतलब कोई खास एफर्ट करने पैंदे होंदे, इंसान के अंदर होंदी है जागृति। तो वो मैनू उहदी पोइट्री च लगती है, मैनू लग्या कि एटलीस्ट अगर इस परफॉर्मेंस नू देखण तो बाद बहुत सारे लोग पढ़नगे पाश नू ते ओ शायद जिंदगी दे नेड़े जाणगे। सोलो प्ले के जरिए दर्शकों को अपने नाटक से बांधे रखना थोड़ा मुश्किल होता है। संगीता का कहना है कि अब उन्हें इस नाटक को करने में थोड़ा डर लगता है। मुश्किल काफी है क्योंकि एक कल्ले बंदे ने सारे प्ले नू कैरी करना है। दूसरी गल है कि जो तो उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, अज तो 12 साल पहला मैं इन्हें कैरी कर लिया सीगा, उदों शायद मेरे च एनर्जी ज़्यादा थी सी, एंथ्यूजियाजम ज़्यादा सी, पर समझ घट सी कंपैरेटिवली। इन द मीन टाइम आई फील मच्योर, उदों मैनू करन च मज़ा आउंदा सी, मेरे च जोश सी, हुण मैनू करन च डर लगदा थोड़ा जा, क्योंकि मैं उन्होंने चीज़ों बहुत नेड़ियों समझण लग पई हैं, तो वह मैनू तकलीफ दिंदी है, तो कदें कदें तकलीफ का लैवल वध जांदा है, पर उन्हें कंट्रोल करना हुंदा है, तो चैलेंज है अपने आप च, फील भी आंदा है, पर चैलेंज है अपने आप च, पर जे तुसी एक्टर हो तो उस चैलेंज नू एक्सैप्ट करो और लोगों सामने, मेरे ख्याल इस तो बेहतर तुहाडी कलाकारी का नमूना नहीं हो सकता कि तुसी अपनी गल भी कहो तो अपनी अदाकारी भी दिखाओ। तो कैसा लगा आपको ये नाटक? हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे नाटक हमारी युवा पीढ़ी को यूं ही इंस्पायर करते रहें। कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। मंगलवार को चंडीगढ़ सेक्टर 18 के टैगोर थिएटर में स्वर्ग रेपेट्री द्वारा नौटंकी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका नाम है नौटंकी सेलिब्रेशंस। ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स हरियाणा के सहयोग से करवाया जा रहा है, जो 8 फरवरी तक चलेगा। आइए इस ग्रुप और इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं और साथ ही आपको इनकी रिहर्सल्स की भी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। स्वर्ग रेपेट्री, स्वर्ग रंगमंडल एक इलाहाबाद बेस्ड फोक थिएटर पे काम करने वाला ग्रुप है और जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी सभी जगह पे जाकर के काम कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर के हम लोग का एक फेस्टिवल कर रहे हैं, सेलिब्रेटिंग नौटंकी। सेलिब्रेटिंग नौटंकी, नौटंकी जो एक बहुत ही वंडरफुल आर्ट फॉर्म था, जो जिसका जादू सदियों तक हिंदुस्तान के आवाम पे सर चढ़ के बोला था और आज भी वो बदस्तूर जारी है। आज भी आप आएंगे देखेंगे रोज़ इतनी भीड़ और इतनी कहानियाँ, और ये कहानियों के साथ में जो संदेश हैं और जो उस फॉर्म को
एक जो मजबूती जो उसका कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट है, तो मेरे को नहीं लगता कि पूरे माने धरती पे ऐसा पावरफुल कहीं पर कोई ऐसा थिएटर फॉर्म है। ज़रूरत है इसको एक्सपोजर की। स्वर्ग रेपेट्री के डायरेक्टर अतुल ने इस फेस्टिवल को चंडीगढ़ में करवाए जाने के मकसद के बारे में भी बात की और साथ ही नौटंकी के बारे में भी बताया जिनका मंचन किया गया और किया जाएगा। सेलिब्रेटिंग नौटंकी हम लोग जो कर रहे हैं, दिस इज टू सैल्यूट द स्पिरिट ऑफ नौटंकी, दिस इज टू सैल्यूट द पावर ऑफ नौटंकी। और ये जो आज का प्रोग्राम है वो कालिदास जी द्वारा लिखित एक मालविका अग्निमित्रम, मालविका एक गणिका और अग्निमित्र राजा, दोनों लोगों की एक प्रेम कहानी है और ये शाम को आपको देखने को मिलेगी। और कल हम लोगों ने बूढ़ी काकी करा था, उससे पहले अंधेर नगरी भारतेंदु जी का था, बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद जी की थी। कल फिर हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के पंच परमेश्वर कर रहे होंगे और परसों 8th को जो कि हमारा फाइनल डे यहाँ पर होगा, उस दिन एक लोक कथा पे बेस्ड बहुत ज़बरदस्त नौटंकी है। इस 5 दिवसीय उत्सव को लोग भारी मात्रा में देखने आ रहे हैं और अतुल का कहना है कि लोग उनके काम को सराहते हैं और काफी पसंद भी करते हैं। बस इसके लिए तो एक ही प्रमाण है कि शो खत्म होने के बाद में 1 घंटे तक सारी ऑडियंस घेर करके बात ही करती रहती है, तो इसी से पता चलता है कि कितनी सेंसिबल और कितनी सेंसिटिव ऑडियंस है यहाँ की। और वो जो चीज़ें हम दिखला रहे हैं वो उन्हें बेहद पसंद आ रही है। इवन कई लोगों के कमेंट्स भी ऐसे थे कि 40 साल से थिएटर से जुड़े हुए हैं पर ऐसा पावरफुल मीडियम वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। आइए अब आपको इस फेस्टिवल की खूबसूरती के बारे में बताते हैं। इस फेस्टिवल की एक खूबसूरती और भी है कि ग्रुप एक ही है, 5 दिन 5 नई प्रस्तुतियाँ, वही कलाकार वही संगीतकार, इट्स अ हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड, बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कम जॉइन अस। स्वर्ग रेपेट्री का ये प्रयास वाकई सराहनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बार बार चंडीगढ़ में आए और अपने काम को लोगों तक पहुँचाएं। कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।